माननीय अध्यक्ष जी, महाकाल सर्वप्रथम तो मैं बाबा महाकाल को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मैं लगभग 4 हफ्ते से प्रार्थना कर रहा था कि हमारे अध्यक्ष जी की नजर मेरे ऊपर कृपा हो जाए, तो आज उनकी कृपा हुई। अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। एक समय था जहां पे 370 धारा लागू थी और हम वहां पे कुछ भी नहीं कर पाते थे, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी, जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से देश में दो संविधान, दो प्रधान और दो निशान का खात्मा किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन जिन्होंने जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, राष्ट्रवाद के इस आंदोलन की नींव के पत्थर परम आदरणीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनकी रसमयी मौत का आज तक कुछ पता नहीं चल सका। महोदय, जिस प्रकार से श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने एक देश में 1953 में 8 मई 1953 को बिना परमिट के जम्मू कश्मीर पहुंचने के लिए यात्रा शुरू की थी, जिसके कारण 11 मई को उन्हें पंजाब जम्मू कश्मीर की सीमा पर रावी नदी के पुल पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। एक मिनट सर, लेकिन जेल में एक राजनीतिक कैदी होने के कारण उन्हें थी 23 जून 1953 को उनकी रसमयी मौत हो गई। ये एक सोची समझी राजनीतिक हत्या थी, यह मौत जिस कारण अनुप्रिया पटेल सर, मेरा आपसे निवेदन है।